प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। भोर के प्रार्थना और नाइट प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। मेरे जो 29वीं नाइट प्रेयर हमारी समाप्त हुई, परमेश्वर धन्यवाद है। मात्र दो नाइट प्रेयर बची है, 30 और 31 की। जुड़े रहे इन दो नाइट प्रेयर में, और भी कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ आज बोलने के लिए, और सरदूत आपके घर पर आएंगे, जिसे विश्वास है बोले आमीन। यही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज की भविष्यवाणी प्रार्थना जो आपने कही पूरी होगी, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ और आमिन के साथ आज की नाइट प्रेयर समाप्त हुई, फिर धन्यवाद करते हैं। दो रह गए, इसमें अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरे साल का शेड्यूल पर उन्हें दे रखा है, फास्टिंग नाइट प्रेयर, फास्टिंग नाइट, यानी कि 100 नाइट प्रेयर, 100 फास्टिंग, 100 टाइम 9 नियम को कंप्लीट करना, जैसा कि हम सब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे जी तो नाइट प्रेयर और फास्टिंग हम मिलकर कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रभु ने बताया अनाउंसमेंट के बाद ही हम फास्टिंग में नाइट में जाते हैं, और पूरे चीज प्रभु यहाँ रखवा दी है। अब जो जून का महीना आने वाला है, उसमें हमारी फास्टिंग चालू हो जाएगी 11 जून से लेकर 30 जून तक 20 दिन की फास्टिंग होगी, और उसकी प्रार्थना वीडियो इस चैनल पे नहीं आएगी। इसलिए प्रभु ने कहा आज सबके बोलने के लिए, मैं यही रिपीट कर रहा हूँ कि इस चैनल पे नहीं आएगी, वो उस चैनल पे आएगी जो प्रॉफेट राजा मसीह के नाम से बना हुआ चैनल है। अब उस पर ही सब कुछ आया करेगा, दो नाइट प्रेयर के बाद सब कुछ उस पर आया करेगा। इस पर जो प्रभु की इच्छा है वो आता रहे। अभी प्रभु ने इस चैलेंज के बारे में पूरा नहीं बताया, लेकिन हाँ उस चैलेंज पे सब कुछ आया करेगा। लाइव प्रार्थना, जैसे आज लाइव प्रार्थना नई चैलेंज पर आई, उसी प्रकार थर्सडे नाइट लाइव प्रेयर हो गई, रोज की वीडियो हो गई, और उपास और नाइट प्रेयर की जो वीडियो आती है वो उसी चैनल पर आएगी। तो उसका वीडियो लिंक मैं नीचे डाल रखा है, ताकि आपको दिक्कत ना है उपास प्रार्थना में। आज प्रभु ने वचन दिया है सरदूत के लिए, और परमेश्वर ने कहा है इस हफ्ते वो आपके घर पे आएंगे। कैसे आएंगे ये आपको देखना है, सुनना है, समझना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जैसा आपने बोला वैसे ही होगा, मैं विश्वास करता हूँ। वचन के द्वारा हमसे बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। प्रभु ने वचन दिया है मुझे, प्रेरितों के काम 10 अध्याय, उसका पहले से पढ़ूंगा। कैसरिया में कुरनामस एक नामक मनुष्य था, जो त्यानी नामक पलटन का सूबेदार था, विभक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यदि लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनियुस। समझे आप, परमेश्वर के दूत को देखा। अब वही दूत परमेश्वर ने कहा है आपके जीवन में आएंगे, फिर घर पर आएंगे। सपने के द्वारा है, लोगों के द्वारा है। कैसे? परमेश्वर अपने दूतों को कई प्रकार भेजता है। दर्शन जो उसने देखा, लेकिन क्या भीतर आए, घर में लेटा है, सरदूत आए खुली आंखों से, और सपने के द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा। समझे आप, कोई मनुष्य आया आपकी मदद करके गया, वो एक दूत के समान होगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे वो उस मनुष्य ने कर दिया। कोई आपके कुछ खराब पड़ी, अचानक कोई ऐसा इंसान आया वो आपको ठीक करके चला गया। तो परमेश्वर का इस हफ्ते दूत आएंगे, सरदूत आएंगे। परमेश्वर अलग अलग रूप से इस्तेमाल करता है। अचानक आपको पता नहीं था कि दास आने वाला है, कोई प्रभु का दास आया, परमेश्वर वो भी सरदूत के बराबर है। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा है कि वो दूत के समान है। तो फिर क्या लिखा है कि स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक सरदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनियुस। उसने ध्यान से देखकर कहा, डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं तेरे दान समर्पण के लिए परमेश्वर का पहुंचे है। तो याद रखना, ये परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं आपके दान ऑफरिंग और आपकी प्रार्थनाएं। अब उसका रिजल्ट देने के लिए प्रभु आपके दूत अपने दूत को भेजेगा। सरदूत हो सकते हैं, सपने द्वारा मैसेज देना, वो रियल में हो सकते हैं, आप सो रहे हो, आपके पति आने सिराने खड़ा हो, वो एक प्रभु का दास हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है। जैसे नमन कोड़ी को प्रभु ने कहा, उस 12 छोटी लड़की ने जाओ वहां जाकर डुबकी मार ले, तो एक सलाह दी, वो सलाह उसके जीवन में काम आई, चंगाई को लेके आई। उसी प्रकार से परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देंगे आपके जीवन में आने के लिए। हालेलुया, और ये हफ्ता आपके परमेश्वर के दूतों का है, सरदूतों का है, आपके जीवन में आने के लिए, घर पे आने के लिए। जिसे विश्वास से बोले आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने कुरनियुस के जीवन में उसकी प्रार्थना दान को स्मरण करते हुए अपने दूत भेजे, सरदूत भेजे, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार से पिता आप इनके जीवन में भी अपने सरदूतों को भेजो पूरी तरह से, ताकि पिता ये प्रार्थना सुनने का रिसीव कर रहे हैं और मान रहे कि हाँ यह हफ्ता हमारे घर में सरदूत आएंगे, दर्शन पे आए,
रियल में आए, प्रभु के दास के द्वारा आए, किसी इंसान के द्वारा आए, लेकिन आएंगे प्राप्त का जवाब लेकर हाँ और आमीन के साथ। मैं घोषणा करता हूँ तेरा दास रसूल तब अभिषिक्त होने के नाते यीशु मसीह के नाम से मानते आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के। प्रभु ने कहा आएंगे तो आएंगे और आप गवाही दो।